आज सुबह से जीएचएमसी की इलेक्शंस की काउंटिंग जो है शुरू सुबह से जारी है। अभी तक फर्स्ट राउंड की काउंटिंग खत्म हो चुकी है और जहां तक अभी तक की लीडिंग की समाचार है, टीआरएस लीडिंग में है। ये फाइनल कंफर्मेशन नहीं है, पर अभी तक जितना भी डिविजन्स में काउंटिंग हो रही है वहाँ पर समाचार ये है कि टीआरएस 60 सीट्स में लीडिंग में है, एमआईएम 40 सीट्स में लीडिंग में है और बीजेपी जो पिछली बार 4 सीट्स जीती थी इस बार 30 सीट्स में लीडिंग में है। जहाँ तक अभी का माहौल है यहाँ पे, इस वक्त अभी हम एमआईएम के ऑफिस में हैं जहाँ पे लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जब उनके नेता जो जीत के आएंगे उनकी स्वागत के लिए यहाँ पे देख जिस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पे लोग इंतज़ार कर रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। और जहाँ तक बात रही टीआरएस ऑफिस की, वहाँ पे जश्न ऑलरेडी शुरू हो चुका है और बीजेपी ऑफिस में लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरह जाएगा शाम होते होते रिजल्ट, कितना फाइनल नंबर कितना आएगा उनका, ये देख रहे हैं। पर अभी तक का जो, क्योंकि जो कैंपेनिंग था ये काफ़ी गर्मा गर्म कैंपेनिंग चली थी, दिल्ली के वरिष्ठ नेताओं को बीजेपी पार्टी यहाँ पे लेके आई थी, काफ़ी स्टेटमेंट्स हुई, काफ़ी गर्मा गर्म कैंपेनिंग भी चली है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो जिस तरह से 30 सीट्स में लीडिंग में है बीजेपी, वो चाह रही थी कि और ज़्यादा सीट्स में वो उम्मीद कर रही थी, पर अभी 30 सीट्स में लीडिंग में है। अभी देखना होगा शाम होते होते और कितने सीट्स में बीजेपी अपना बना पाएगी और टीआरएस और एमआईएम का भी कितने फाइनल सीट्स होंगे, क्योंकि पिछले बार एमआईएम 44 सीट्स में जीती थी 2016 के इलेक्शंस में, तो इस बार कितने सीट्स में जीतेगी। और टीआरएस 99 सीट्स में जीती थी 2016 में, तो देखना होगा अब कितने सीट में जीतेगी। टीआरएस नेताओं से जब हमने बात की, उनका उम्मीद है कि और 10 सीट जीत पाएंगे, तो अभी कम से कम 60 सीट्स में उनकी लीडिंग चल रही है, अभी देखना होगा और कितने सीट्स में उनकी जीत होगी। हैदराबाद से दीप्ति बतिनी।